हे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से वो कौन सी नंबर वन चीज है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रही है, वो कौन सी चीज है जो आपको एक ग्रेट इंसान बनके आपके गोल्स या सक्सेस तक पहुंचने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ये आपको ड्रीम लाइफ नहीं जी पा रहे हो जो आपको चाहिए, तो अब इसका आंसर ज्यादातर लोग कुछ ऐसे देंगे कि मैं ग्रेट नहीं बन पा रहा हूं क्योंकि मुझे सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता इसीलिए, या मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब सब बैड और बुरी चीजें गिरा देंगे जो उनके हिसाब से उनके आगे ना बढ़ पाने का मेन रीजन है, जो सच बोलो तो मोस्टली सच नहीं होता। और तो बोलते हैं कि सच तो ये है कि आपकी उस ग्रेट लाइफ जिसके आप सपने देखते हो, उसके और आपके बीच में जो सबसे बड़ी चीज दीवार बन के खड़ी है, वो कुछ बुरी और बैड चीजें नहीं है, बल्कि वो तो सारी अच्छी और गुड चीजें हैं जिसने आपको कंफर्टेबल बना दिया है अपनी सिचुएशन से, जिसकी वजह से आप जहां हो वहीं सेटल हो गए हो। एग्जांपल, हम सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज नहीं करते ताकि हम फिट रहे। क्यों? क्योंकि हमें सोने मजा आता है, इट फील्स गुड, ना कि बैड। हम हेल्दी खाना नहीं खाते क्योंकि हम अनहेल्दी और जंक फूड खाने में ही कंफर्टेबल हो गए हैं। हम ये सोचते हैं कि अरे क्या फर्क पड़ता है, सब तो खाते हैं। हम अपनी नॉर्मल लाइफ से, जॉब की रूटीन से इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि फिर उससे ग्रेट और अच्छा करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते। और यही चीज, यही कंफर्टेबल हो जाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा देश और हम खुद ग्रेट नहीं बन पा रहे हैं। आज ज्यादा ग्रेट स्कूल्स नहीं बनती, क्यों? क्योंकि सब गुड स्कूल्स में ही खुश है। ग्रेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है क्योंकि सब गुड या उससे भी बदतर खराब चीजों से ही कंफर्टेबल हो गए हैं। गड्ढे हैं तो गड्ढे हैं, रोड खराब है तो है, क्या फर्क पड़ता है, चला लेंगे। एक दिन तो जाना है, दो दिन तो जाना है, ये 10 मिनट की तो बात है। और ऐसे धीरे धीरे करके हम बुरी से बुरी चीजों के साथ कंफर्टेबल होते जाते हैं, और यही कंफर्टेबल होना एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऑथर जिम कॉलिन अपने 21 लोगों की रिसर्च टीम के साथ 5 साल रिसर्च करे इस एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए, जो ये था कि वो क्या चीजें होती है जो हमें गुड से ग्रेट बनाने में मदद करती है। वैसे तो उन्होंने ये सारी रिसर्च बड़ी बड़ी कंपनीज पर करी थी उनके कई साल के डेटा निकालकर, पर इससे मिले आंसर्स बस बिजनेस के लिए ही नहीं बल्कि हर इंसान की लाइफ को ग्रेट बनाने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो अभी मैं उनकी फाइंडिंग के ही कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, हाई लेवल लीडर। बहुत से लोगों को लगता है कि लीडरशिप क्वालिटी बस बिजनेस करने के लिए जरूरी होती है, बट ऐसा नहीं है। आप सब अपनी लाइफ के लीडर हो, और जिस डिग्री तक आप अपनी लाइफ को लीड कर सकते हो, उस डिग्री तक आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी बन सकते हो। हेंस, अगर आप अपनी लाइफ को ग्रेट बनाना चाहते हो तो आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज रखो, और वो भी लेवल 5 की लीडरशिप क्वालिटीज। अब लेवल 5 क्या होता है ये बताने से पहले मैं आपको लेवल 1 से लेवल 4 तक के लोगों के बारे में बताता हूँ। लेवल 1 पे वो लोग आते हैं जिनमें स्पेशल स्किल्स होते हैं, जो बहुत नॉलेजेबल होते हैं और जो रिजल्ट्स भी निकालते हैं खुद मेहनत करके। लेवल 2 पे वो लोग आते हैं जो एज अ टीम काम करना जानते हैं और टीम के गोल्स को पूरा करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेवल 3 के जो लोग होते हैं वो मैनेजर टाइप के होते हैं, जो दूसरे लोगों के और रिसोर्सेज की हेल्प लेके अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करते हैं। लेवल 4 के लोग इफेक्टिव लीडर्स होते हैं, जो सब बड़े लीडर्स में आते हैं और जो कंपनी के विजन और गोल्स को पूरा कराते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ। और लास्ट सबसे टॉप पे आते हैं लेवल 5 के लीडर, जिनमें मोस्टली फर्स्ट 4 लेवल की कैपेबिलिटीज तो होती ही है, बट इन सबके साथ साथ उनमें 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो उन्हें लेवल 5 पर लेके आती है। पहली, ह्यूमिलिटी, और दूसरी, जो बहुत से लोगों को ह्यूमिलिटी के अपोजिट लगती है, जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल विल। ज्यादातर मूवीज और स्टोरीज में ऐसा दिखाते हैं कि जो लीडर होते हैं वो हीरो टाइप के होते हैं, बहुत रॉकिंग होते हैं, बट ऐसा हमेशा सच नहीं है। बहुत सी कंपनीज जो गुड से ग्रेट बनी उनके लीडर्स शांत टाइप के लोग थे, यहाँ तक कि कई तो बहुत कम बात करने वाले लोग भी थे, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन थी, उन सब में ह्यूमिलिटी बहुत थी। मतलब उनमें जरा भी घमंड नहीं होता था अपने काम के ऊपर या अपने ऊपर, वो सबके साथ बहुत रिस्पेक्ट से रहते थे, फिर चाहे वो बड़ा छोटा प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन कोई भी हो, और कभी अपने ईगो को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते थे। वो फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद पर लेते थे, ना कि किसी और को ब्लेम करते थे फेलियर के लिए, जबकि जीतने का क्रेडिट वो अपनी टीम को देते थे। वो न्यू चीजों को सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते थे और कभी भी ये नहीं सोचते थे कि उन्हें सब पता है। ऐसी टाइप की ह्यूमिलिटी उनके अंदर होती थी। और दूसरी चीज, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल विल वाले होते थे, मतलब वो बहुत डिटरमाइंड होते थे अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। ह्यूमिलिटी की वजह से वो लोगों को दिखने में बहुत वीक लगते हैं, बट ऐसा सच नहीं है। वो बहुत गट्सी हिम्मत वाले लोग होते हैं, जो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए मुश्किल से मुश्किल काम और डिसीजन लेने के लिए तैयार रहते हैं। और यही जो अपोजिट लेकिन इम्पोर्टेंट क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन ग्रेट बनने के लिए आपके अंदर भी होना चाहिए। नंबर 2, फर्स्ट हु देन व्हाट। ऑथर बोलते हैं कि जो लोग ग्रेट होते हैं उन्हें अगर आप एक बस दोगे चलाने के लिए जिसमें उन्हें कुछ लोगों को लेकर कहीं जाना होगा, तो ये चीज करने के लिए वो पहले ये नहीं करेंगे कि जाना कहाँ है ये डिसाइड करेंगे, और फिर उसके बाद जो भी बस में चढ़ जाए उसे लेकर अपनी डेस्टिनेशन पर निकल जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि जो ग्रेट लोग होते हैं वो अपनी बस में पहले सही लोगों को और अच्छे लोगों को बैठाएंगे, उन्हें उनकी सही सीट पर बैठाएंगे। कोई बुरे लोग है बस में तो उसे निकलवाएंगे और फिर सारे सही लोगों को सही जगह पर बैठा के डिसाइड करेंगे कि अब वो एक दूसरे की हेल्प लेके कहां जा सकते हैं। नाउ यहाँ इस एग्जांपल से ऑथर हमें समझा रहे हैं कि सही लोग कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ या बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के लिए। क्योंकि सच तो यही है कि आपका गोल या आइडिया कितना भी सही या अच्छा क्यों ना हो, अगर आपको गलत लोग मिल जाएंगे तो वो आपके सक्सेसफुल बनने के चांस को बहुत कम कर सकते हैं। इसीलिए सही लोगों पे ध्यान दो, उनके साथ ही आगे बढ़ो और गलत लोगों को निकाल दो अपनी जिंदगी के बस से, अगर आपको बिजनेस या अपनी लाइफ में स्मूथली आगे बढ़ना है तो। नंबर 3, कन्फ्रंट ब्रूटल फैक्ट्स बट हैव फेथ। पीटर थील ने अपनी बुक 0-1 में ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट समझाया है जो है डेफिनेट ऑप्टिमिज्म का। आपको पता ही होगा कि ऑप्टिमिस्ट उन्हें बोलते हैं जो चीजों को पॉजिटिवली देखते हैं, जबकि पेसिमिस्ट लोग हर चीजों को नेगेटिवली देखते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल ग्लास और पानी का आपने सुना ही होगा। अगर आपको आधा ग्लास पानी भरा हुआ दिखता है हमेशा तो आप ऑप्टिमिस्ट हो, लेकिन अगर आप ग्लास को देखकर ये सोचते हो कि बस आधा ग्लास पानी ही है तो आप पेसिमिस्ट हो। अब पीटर थील ने इससे एक स्टेप आगे जाके बताया है कि ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट इन दोनों के भी दो टाइप्स होते हैं, एक इंडेफिनिट पेसिमिस्ट और दूसरा डेफिनिट पेसिमिस्ट, और एक इंडेफिनिट ऑप्टिमिस्ट और दूसरा डेफिनिट ऑप्टिमिस्ट। ये सब क्या होते हैं मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। अगर आप बोलते हो कि हमारे देश का कभी कुछ नहीं हो सकता और हम हमेशा पीछे ही रहेंगे तो आप एक इंडेफिनिट पेसिमिस्ट हो, और अगर आप बोलते हो हमारे देश में कभी भी कम्युनिज्म और करप्शन खत्म नहीं होगा और इसीलिए ही हम कभी आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे तो आप एक डेफिनिट पेसिमिस्ट हो। मतलब अगर आप नेगेटिव हो बिना फैक्ट और रीजन जाने तो आप एक इनडेफिनिट पेसिमिस्ट हो, लेकिन अगर आप सच्चाई और फैक्ट को ध्यान में रखते हुए नेगेटिव हो रहे हो तो आप एक डेफिनिट पेसिमिस्ट हो। ये दोनों थी पेसिमिस्ट के बाद। अब अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरा देश पक्का 1-2 साल में ही डेवलप हो जाएगा और हम दुनिया में सबसे ऊपर आ जाएंगे तो आप एक इनडेफिनिट ऑप्टिमिस्ट हो, क्योंकि आप बिना फैक्ट और सच को समझे ही पॉजिटिव बात कर रहे हो। जबकि अगर आप ये बोलते हो कि हमारा देश डेवलप होगा पक्का, बस हमें अपने इग्नोरेंस को, कम्युनिज्म को, करप्शन को खत्म करना होगा जो हम करेंगे भी, तो अब आप एक डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट हो, क्योंकि अब आप लॉजिकल फैक्ट्स और सच्चाई को समझते हुए पॉजिटिव बात कर रहे हो और उसके लिए कुछ करने का सोच भी रहे हो, और ऐसे ही डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट हम सबको होना चाहिए। नाउ इसी तरह इस बुक के ऑथर भी हमें बोल रहे हैं कि हमेशा फैक्ट्स और सच्चाई को भूलो मत, बल्कि रियलिस्टिक रहो, प्रॉब्लम्स को समझो, लेकिन उसके साथ साथ यकीन भी रखो कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है लेकिन हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे पॉजिटिव रहकर, और बस ऐसे ही हम फैक्ट्स और यकीन को साथ रखकर ही गुड से ग्रेट बन सकते हैं। सो ये थे इस बुक के 3 बड़े पॉइंट्स। अगर आपको इस बुक के और दूसरे बड़े प्रिंसिपल्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं शायद एक और वीडियो इस बुक पे बना दूं। अभी के लिए अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को जरूर लाइक करें, वहां मैं काफी एक्टिव रहता हूं। और एक सोशल मैसेज, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ताकि लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो, उनका इग्नोरेंस खत्म हो और हमारा देश भी तरक्की करे। और नाउ टू एंड, ये बातें मैंने आपको गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस इस बुक से बताई है। अगर आपको बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट है तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। ये बुक गुड ही नहीं बल्कि सच में ग्रेट है। तो अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, इसके सारे प्रिंसिपल को समझना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इन यूजफुल वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, और वो करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। ये नया रूल है यूट्यूब का, सो बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और अगर आप फ्री में बिजनेस रिलेटेड और यूजफुल बातें सीखना चाहते हो तो आप आई बटन से जाके या इधर क्लिक करके मेरे बिजनेस हैक प्लेलिस्ट के कुछ वीडियोस देख लो, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।